रेडी हो चुका है हमारा सब्जी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्यार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 9 बजे से। और अभी हम लोग जा रहे हैं गुलेर घास काटने के लिए ताई जी के वहाँ। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल, आधे रास्ते में पहुँचे हैं। धूप भी निकल चुकी है और हेलो दोस्तों, ये बैग देख रहे हो ना आप, अभी तक हंसी के पीठ में था, अभी मेरे पीठ में है, बहुत भारी हो रहा है। तो इसमें क्या है अभी आपको ताजी के घर जाके पता चलेगा, इतना भारी क्यों हो रहा है आखिर। ये देखते हैं घर जाके क्या भेजा है मम्मी ने इसमें ताऊ जी के लिए, ख़ास तौर पे ताऊ जी के लिए भेजा है इसमें। तो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं ताई जी के वहाँ। ये वाला ताई जी है शायद। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम ताई जी के वहाँ। अभी देखते हैं ताई जी कहाँ है। तो कर सब जाने ठीक हो ठीक हो गया पूरा पाने दोस्तों, हम आए हैं घास काटने के लिए और ये रहा घास, यहाँ है घास तो हम काट रहे हैं अब। दोस्तों, हमने घास काट लिया है और थोड़ा हमने डंपर में भेज दिया घर और थोड़ा हम लेके जाएंगे अभी। तो अभी हम घास काट के जा रहे हैं ताई जी के घर, बस और काटने हैं तो काटते हैं फिर जाते हैं। दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और आज हम बना रहे हैं बिना आलू की सब्जी।
ওই ওই টাকা করো বাইন্দি টাকা করো পেদ এ এ এ এটা দি ভাই অর্ডার 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 খাও কিছে কশাল হাকছে রসাল আর আর কে ফরমাইস दोस्तों हम इसमें डाल रहे हैं कटा हुआ धनिया और ये है मसाला हाथ से पीसा हुआ हाथ से पीसे हुए मसाले में बहुत टेस्ट आता है। ये है पिनालू और इसको क्या बोलते हैं धुन ये है अलग नाम धुन धुनार मतलब तो है इसका नाम धुन है धुन हमारे वहाँ इसको धुन बोलते हैं। इसके अब बहुत अच्छा स्वाद आता है इसकी खुशबू आती है हाँ प्याज से भी अच्छी खुशबू आती है इसकी क्या खुशबू है छप्पन भोग आज बैठे थे क्या छप्पन भोग बैठे थे दोस्तों रेडी हो चुका है हमारा सब्जी।